Bismillahirrahmanirrahim. Hey friends, I hope you're all doing well. So today in this video, we are going to study instead of and instead. Instead or instead of के मतलब क्या है? इनके दरमियान में क्या difference है? और हम instead of और instead को कहाँ पर use करेंगे? किस meaning के साथ use करेंगे? और हम कैसे use करेंगे? सो स्टार्टिंग ऑफ विद पहले हम ये समझते हैं इंस्टेड एंड इंस्टेड ऑफ ये क्या है. इंस्टेड एंड इंस्टेड ऑफ दे बोथ आर एडवर्ब्स. इंस्टेड और इंस्टेंट ऑफ दोनों एडवर्ब्स हैं, ठीक है. सो दे आर एडवर्ब्स फर्स्ट थिंग. सेकेंडली इंस्टेड या इंस्टेड ऑफ हम तब यूज करेंगे जब हमें कोई चीज चेंज करनी है या किसी चीज की एक्सचेंज करना है. कोई चीज हम कहेंगे कि इसकी बजाय ये चाहिए या इसकी जगह मुझे ये चाहिए. सो वी विल यूज इंस्टेड और इंस्टेड ऑफ एंड वी एक्सचेंज टू थिंग्स फ्रॉम विद ईच अदर एंड वी यूज इंस्टेड और इंस्टेड ऑफ. सो स्टार्टिंग ऑफ विद स्पेसिफिकली इंस्टेड ऑफ. इंस्टेड ऑफ का मतलब क्या है? चेंज ऑफ वन थिंग टू अनदर. एक चीज को दूसरी चीज से तब्दील कर देना, चेंज कर देना, दोनों को एक्सचेंज करना एक दूसरे के साथ. फॉर एग्जाम्पल आप रेस्टोरेंट गए एंड आपने पहले वहां पर काउंटर पे गए, आपने रिसेप्शन पे काउंटर पे जहां पर भी आपने वेटर को ऑर्डर दिया. फॉर एग्जाम्पल दैट यू सेड फर्स्ट फ्राइज. आपने पहले तो फ्राइज ऑर्डर कर दिया, आपने कहा दैट आई नीड फ्राइज, आई विल हैव फ्राइज, राइट. अब उसके बाद व्हाट यू डिसाइडेड, यू चेंज्ड योर माइंड एंड देन यू डिसाइडेड दैट आपको कोला चाहिए, आपको फ्राइज नहीं चाहिए. सो आप उसको कैसे कहोगे? आप इंस्टेड ऑफ की मदद से उसको बोलोगे दैट आई विल हैव अ कोला इंस्टेड ऑफ फ्राइज. आई विल हैव अ कोला. मुझे फ्राइज की जगह कोला चाहिए या मुझे फ्राइज की बजाय कोला चाहिए, मुझे कोक पीनी है और व्हाटएवर, राइट. सो इंस्टेड ऑफ आपने यूज किया. व्हाई? क्या आप एक चीज को दूसरी चीज से एक्सचेंज कर रहे हो? सो यू यूज्ड इंस्टेड ऑफ. लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स. फॉर एग्जांपल इंस्टेड ऑफ बाइंग अ न्यू कार ही डिसाइडेड टू फिक्स हिज ओल्ड वन. अब उसने नई गाड़ी खरीदने की जगह क्या किया कि उसने अपनी पुराने वाली कार को रिपेयर करा लिया. यहाँ पर फिक्स का मतलब टू रिपेयर समथिंग के मतलब में यूज हो रहा है. लाइक वी आर यूजिंग लाइक इंस्टेड ऑफ बाइंग अ न्यू कार ही डिसाइडेड टू फिक्स हिज ओल्ड कार. तो फिक्स को हम टू रिपेयर समथिंग के मीनिंग में यूज करते हैं. तो उसने क्या किया कि अपनी पुरानी गाड़ी को उसने सही करवा लिया, उसने वर्कशॉप पे रिपेयर करा लिया और उसने खुद रिपेयर कर लिया इंस्टेड ऑफ बाइंग अ न्यू वन. इंस्टेड ऑफ इसके बजाय कि वह नहीं खरीदता. एक और एग्जांपल देखते हैं. इंस्टेड ऑफ गोइंग आउट टू ईट वी डिसाइडेड टू कुक डिनर एट होम. अब बाहर जाकर खाना खाने के लिए या बाहर डिनर करने के बजाय हमने क्या सोचा? हमने ये डिसाइड किया कि हम घर में डिनर बनाकर खाएंगे, राइट. सो इंस्टेड ऑफ गोइंग आउट फॉर डिनर वी डिसाइडेड टू कुक डिनर एट होम. तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने एक चीज को दूसरी चीज से चेंज कर दिया है. पहले हमको बाहर जाकर खाना था, पहले हमने बाहर डिनर करना था, बट नाउ वी हैव डिसाइडेड दैट वी विल डू इट एट होम, राइट. तो इंस्टेड ऑफ हम तब यूज करते हैं व्हेन वी चेंज वन थिंग विद अनदर. आई होप इंस्टेड ऑफ का मतलब क्लियर है एंड यू अंडरस्टूड व्हाट हाउ यू कैन यूज इंस्टेड ऑफ विद एग्जांपल्स. नाउ हियर टू नोट अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इंस्टेड ऑफ मोस्टली सेंटेंसेस के स्टार्ट में आता है ज्यादातर, एज यू कैन सी ओवर हियर एज वेल. सो इट मोस्टली कम्स इन द स्टार्ट. जैसे कि हमने एग्जांपल्स में भी देखा था कि आई सेड इंस्टेड ऑफ बाइंग अ न्यू कार वाला सेंटेंस एंड देन इंस्टेड ऑफ गोइंग आउट फॉर डिनर वी डिसाइडेड टू कुक डिनर एट होम, राइट. तो ये ज्यादातर इंस्टेड ऑफ सेंटेंसेस के बिगिनिंग में आता है, सेंटेंसेस के स्टार्ट में इंस्टेड ऑफ यूज होता है. ऑलराइट, सो इंस्टेड विदाउट ऑफ हम कब यूज करते हैं? इंस्टेड हम तब यूज करते हैं जब हमने कोई एक्शन, कोई प्लान एंड कोई आइडिया चेंज करना हो. हमने पहले कोई एक्शन लिया बट बाद में हमारे दिमाग में कुछ और आ गया और हमने अपना एक्शन चेंज कर लिया, या फिर हमने सोचा कि अब मैं ये नहीं, मैं कुछ और कर लेती हूँ. प्लान, पहले मैंने कोई और प्लान बनाया बट बाद में मेरा प्लान फ्लॉप हो गया या फिर मेरा प्लान सक्सेसफुल नहीं था तो मैंने कोई दूसरा प्लान सोच लिया. लाइक प्लान ए वर्क नहीं किया तो मैंने प्लान बी इस पे फोकस किया एंड आई प्रिफर द प्लान बी. तो आई कैन यूज इंस्टेड. एंड पहले मेरा कोई और आइडिया था
बाद में मुझे कोई और आइडिया आ जाता है एंड मुझे वो आइडिया भी जो है वो अच्छा लगता है, सो आई कैन मेक अ चेंज इन माई आइडिया एज वेल. कि अगर पहले मेरा आइडिया कोई और था तो उसमें मैं स्लाइट चेंज भी कर सकती हूँ, मैं अपने प्रॉपर फुल आइडिया को भी चेंज कर सकती हूँ. सो इन दिस केसेस यू कैन यूज इंस्टेड. फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज गोइंग टू टेक द बस बट इंस्टेड ही टुक अ टैक्सी. आपने अब घर जाना था एंड पहले तो आपने डिसाइड किया कि आप मेट्रो में या बस में अपने घर चले जाओगे, बट इंस्टेड ही टुक अ टैक्सी. फिर आपने क्या सोचा कि मैं टैक्सी से चले जाती हूँ, मैं टैक्सी करा लेती हूँ एंड आई कैन गो इन अ टैक्सी, राइट. सो फर्स्ट पहले आपने क्या सोचा, आपने पहले सोचा कि आप बस से जाओगे, राइट. लेकिन उसके बाद आपने एक चेंज कर लिया, आपके प्लान में आपके एक्शन में एक चेंज आ गया, तो व्हाट यू डिड, ही टुक अ टैक्सी. घर बस के जाने के बजाय उसने टैक्सी करा ली, उसने टैक्सी ले ली. सो दिस इज हाउ यू कैन यूज इंस्टेड. नाउ वन थिंग टू नोट इज द कॉमास, वेयर वी प्लेस द कॉमास. फर्स्टली ही वाज गोइंग टू टेक द टैक्सी एंड देन कॉमा. ये हमारा पहला आइडिया है, ये हमारा पहला एक्शन है और हमारा पहला प्लान है, ठीक है. देन उसके बाद बट एंड आवर इंस्टेड एंड देन कॉमा देन अदर द चेंज्ड वन द चेंज्ड एक्शन, राइट. अनदर एग्जाम्पल, I was going to the mall, but instead I decided to stay home and watch a movie. पहले मैंने क्या सोचा कि मैं मॉल जाती हूँ, मैं शॉपिंग कर लेती हूँ. फिर मैंने बाद में क्या सोचा, मैंने अपना प्लान चेंज कर लिया. मैंने कहा नहीं, मैं घर रहती हूँ एंड मुझे घर रहना पसंद है, सो मैं मूवी देख लेती हूँ. तो मैंने पहले क्या किया, पहले मेरा प्लान क्या था कि बाहर जाना है, मुझे मॉल जाना है, राइट. बट देन मैंने क्या, पहले उसने फिर बाद में मैंने क्या किया, मैंने अपना प्लान चेंज किया एंड आई वॉज लाइक देर इंस्टेड ऑफ गोइंग आउट. सो आई वॉज लाइक के ओके, आई वॉज गोइंग टू द मॉल बट इंस्टेड आई विल वॉच मूवी, आई स्टे होम एंड आई वॉच अ मूवी. अनदर एग्जाम्पल, ही वॉज गोइंग टू टेक अप ए जॉब बट इंस्टेड ही स्टार्टेड अ बिजनेस. पहले वो जॉब लेने लगा था, लेकिन उसके बजाय उसने क्या किया, उसने एक बिजनेस स्टार्ट कर लिया, उसने एक नया स्टार्टअप ले लिया, राइट. सो Instead, he started a business. उसने एक नया startup शुरू कर लिया. तो पहले वो एक job लेने वाला था, लेकिन उसने सोचा कि job के बजाय मैं अपना नया business start कर सकता हूँ, right? So he changed his idea. पहले उसने क्या सोचा, पहले उसका idea था कि वो job ले लेगा, वो job करेगा, but then उसका idea change हो गया and he was like, he started a business, right? तो आप पहले क्या लिखोगे, he was going to take up a business, comma, then, but instead, again a comma, and then you will write, He started a business. So in this video we learned that hum instead किसी भी plan, action या idea की change पर use करते हैं and instead of किसी भी एक चीज़ को दूसरी चीज़ से exchange करने के लिए, change करने के लिए use करते हैं and mostly instead of sentences के start में आता है and instead start में नहीं आता, ये middle में आ जाता है and also the placement of the commas while using instead. I hope you understand and it's clear. Give this video a big thumbs up and also subscribe to my YouTube channel and also press the bell icon. I'll see you soon in the new video with a new topic. Till then, take care. Allah Hafiz.